इंडस्ट्री के जाने माने कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर रेमो डिसूजा को आज दोपहर हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने के बाद ही रेमो की एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। फिलहाल उनके परिवार के लोग उनके साथ वहां मौजूद हैं। इस खबर की पुष्टि बॉलीवुड के एक और कोरियोग्राफर और रेमो के सीनियर अहमद खान ने की। रेमो खुद अहमद के साथ 6 सालों तक काम कर चुके हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अहमद को असिस्ट किया था। रेमो और अहमद दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। वहीं इस वक्त रेमो की पत्नी लिज डिसूजा उनके साथ अस्पताल में मौजूद हैं। रेमो की एंजियोग्राफी हो चुकी है और वो आईसीयू में भर्ती हैं। रेमो डिसूजा जाने माने सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर हैं, जो बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों को कोरियोग्राफ कर चुके हैं। बॉलीवुड में बतौर कोरियोग्राफर उनके करियर की शुरुआत 1995 में हुई थी, जिसके बाद साल 2000 में दिल पे मत ले यार फिल्म में उन्होंने कोरियोग्राफी की। इसके बाद वो आज तक कई बेहतरीन फिल्मों में डांस कोरियोग्राफ कर चुके हैं। रेमो को तहजीब स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये जवानी है दीवानी, ABCD2, बाजीराव मस्तानी और कलंक के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। नव भारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋतु त्रिपाठी, नव भारत मीडिया।